ध्यान से देखो, हमें बोतल पर कुछ ऐसे कटिंग मार्क बनाकर इस हिस्से को काटकर हटा देना है। इसके बाद मोमबत्ती को जलाकर हमें बोतल के बीच के हिस्से को हल्का हल्का गर्म करते हुए इसे धीरे धीरे मोड़ना है। मोड़ने के बाद एक मोटी सुई लेकर उसे पहले गर्म कर लेना है, फिर बोतल को उठाकर इसके नीचे 20 से 25 छेद धीरे धीरे कर देना है। प्लीज इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब पूरी तरह तैयार होने के बाद इसे आप अपने किचन में सिंक के ऊपर टांग कर बड़े आराम से एक तरफ स्क्रब और दूसरी तरफ साबुन रख सकते हो। क्यों है ना कमाल की जुगाड़।